व्यापक है। जहां उस परमात्मा को प्रेम से पुकारोगे ना, परमात्मा कहां नहीं है, परमात्मा सब जगह, देश काल देश विदेशों माई, और कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। किसी भी देश काल में परमात्मा कहां नहीं है, सर्वत्र सब जगह। अब जब मैं सब रहित विरागी, ओ प्रेम अति प्रभु प्रगटे जिमि आगी। जैसे कहीं भी लकड़ी का संघर्ष न करो, अग्नि वहीं प्रकट हो जाती है। परमात्मा को जहां पुकारो, जहां बुलाओ, बस वहीं प्रकट हो जाती है। प्रेम से प्रकट होती है, प्रेम चाहिए। मोर बचन सब के मन मारा, भगवान भोलेनाथ ने जो वचन कहा, ऐसी बहुत पंचायत होंगी, किसी ने एक ने कुछ कहा और सब उसकी पुष्टि करते हैं, परंतु वो देवताओं की, ऋषियों मुनियों की, वह अज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं। वहां तो जो हकीकत है वो सब जानते, सबका मन मान गया, हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। साधु साधु कह ब्रह्म बकार, ब्रह्मा जी ने कहा यही सत्य। सोने विरंच मन हर सितन, स्तुति करते जो सावधान महती। जब भगवान को बुलाना हो, जब भगवान की प्रार्थना करें, भगवान के गुण गाएं, जब भगवान को अपने हृदय से बुलाना चाहे ना, भगवान स्वयं कहते हैं अगर कोई मुझे बुलाना चाहे ना। Oh,
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजी की हे देवताओं तुम भय मत करो, मैं तुम्हारे कारण मैं मानव देव में आऊंगा, मनुष्य का रूप धारण करूंगा और अंशों के सहित आऊंगा, सूर्य वंश में आऊंगा, क्योंकि मैंने कश्यप आदित्य को पहले वरदान दे चुका हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। आज वही कश्यप आदित्य अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात है। उनके घर में आकर के मैं बाल चरित्र बाल लीलाएं करूंगा, अंशों के सहित चारों भाई वह लीला करेंगे और संसार के भार के उतारने के लिए ही हम आएंगे। हरियो सकल भूमि गरुआई निरभय हो देव समुदाय, चिंता मत करो मैं सभी भार का हरण करूंगा, तुम निर्भय हो जाओ सब जाओ। जैसी भगवान ने आकाशवाणी की देवता के मन में विश्वास हुआ, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हे धरणी अब भगवान ने आश्वासन दे दिया, तुम चिंता मत करो अब भरोसा करो और निर्भय हो जाओ। सबको सिखा करके देवताओं से कहा हे देवताओं भगवान ने कहा है सभी अपन अपने अंशों से धरती पर जाकर के अवतार धारण करो, बानर रूप में सब जाएं,
जहाँ जैसी जिसकी जरूरत हो वहां जाए, भगवान की लीला में सहयोग और भाग ले। निज लोक बिरंच गए देवन यही सिखाए, बानर तन धर धर महे हरि पद से बहु जाए। सब आज्ञा को मान करके सब जंगलों में चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन देवता सब अपन अपने अंशों से अवतार जंगलों में जहां जरूरत थी वहां चले गए। उधर अयोध्या में भगवान जहां आने वाले हैं वहां क्या होता है, कैसे उनका प्रारंभ हुआ, क्या व्यवस्था हुई, अवधपुरी रघुकुल में राव वेद विदित ते दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी। धर्म का धुरंधर वेदों में विख्यात महाराज दशरथ जो भगवान की भक्ति में बहुत हृदय भगत मत सारंग, और उनकी पत्नी भी वैसी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। दोनों पत्नी भी पति के अनुकूल और भगवान में भक्ति करने वाली, भगवान में निष्ठा रखने वाली, और उसके सभी आचरण परम पवित्र, दोनों भगवान की परम भक्त थे। परंतु एक बार समय आया, एक बार दिमाग में विचार आया, ये हमारा राज्यपाट इनको कौन संभाले, क्या जे सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा, चौथापन आने को हो गया, अभी कोई संतान नहीं हुई, संतान की इच्छा सबको होती है, विवाह हुआ कुछ समय के बाद में अपुत्र हो, परंतु महाराज दशरथ का तो बहुत समय निकल गया, पुत्र नहीं हुआ। एक बार भूपति मन मन में कोई समस्या आए तो गुरु के पास जाए। महाराज दशरथ गुरु के आश्रम पर जाते हैं। गुरु गृह गए तुरत मय पाल चरण लागे कर विनय विशाल। गुरु के पास गए, परिक्रमा दी, चरणों में लागे, बहुत बड़ी स्तुति करी गुरुदेव। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। अपने सब सुख दुख सब गुरु को सुनाया, कुछ रखा नहीं, सब सुनाया। वशिष्ठ जी ने समझाया, चिंता मत करो, सब ठीक होगा।
धैर्य धारण करो, धरो धीर हो ये सुतचारे। तुम एक पुत्र की कह रहे हो, चार होंगे राजन। पुत्र भुवन विदित भगत बिहारी, संसार में विख्यात होंगे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव कैसे होंगे? पूछा विधि विधान तरीका तो बता। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी करता हूं। चलो सगिरे से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ने वो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ करना, और उन्होंने यज्ञ को करवाया। किसी को भी बुलाओगे ना, वो आएंगे। आदर से बुलाओगे, सम्मान से बुलाओगे, निष्कपट होकर के बुलाओगे। और तुमने कही अभी तुम काम पर रहो, तई मैं ते निबोरे कर रहा हूं ना, काम पर कर जाओ तब देखे, तो कौन आएगा? मतलब के कहने तुम निबोरे करो, सब जानते हैं। अपने अंदर निष्ठा है तो अपनी तो नवनी बेकार है। नवन नीच की अति दुखदाय, नीच की तो नवनी भी बेकार है। इसलिए अपने अंदर निष्ठा है तो अपन नवों को तो सब जानते हैं, बाकी तो नवनी बेकार है। ओ नवनी चली अति दुखदाई, सीधी धरिए तो उससे कोई भय नहीं है। वो उठ करके नभ जाए तो भय तो ना, कुछ घात करेगा। इसलिए निष्कपट होकर के, प्रेम से, निष्पाप होकर के, अपने अंदर में उसके प्रति कोई द्वेष भाव घृणा भरा हुआ है सबको निकाल करके, साफ करके, हाथ जोड़ करके, विनम्र मुद्रा में अपन किसी को भी बुलाएंगे वो चला आएगा। अगंदी भाई प्रसादी लेकर के आए और कहा, ले महाराज। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा,
सकल काज भासे तुम्हारा। राजन, जो मैंने जैसे कहा था, विचार किया था, वो सब कार्य तुम्हारा सफल हो गया। ओ वशिष्ठ ने कहा, राजन ये हवि बांट देओ नृप जाई, ये हवि ले लो और अपनी रानियों में बांट दो। कैसे? यथा योग्य, जो जिसके योग्य हो वैसे भाग बना करके, यथा योग बे भाग बनाई। ऐसा कहीं बांटना होता है, कोई कहे ये प्रसाद ले आ बांट दो, कौए आदो दे दो, कौए कम दे दो, अब घर में ऐसो बंटवारो है या नहीं, तो हाल ही घर को सुपड़ा साफ है या। परंतु वो जानते, राजा भी जानते हैं, रानी भी जानती है, सब जानते हैं। तब ही राय प्रिय नारे बुलाए, कौशल्यादि तहां चली आए। रानियों को बुलाया, बुला करके और भाग बांटा। अरद भाग को सिल्य करके कौशल्या को दे दिया, आधा बचा उसमें से फिर दो भाग आधे आधे कर ले। उसको केकई को दे दिया, फिर बानत आधो बचो तामत फिर दो भाग फिर कर ले। अब वो दोनों भाग केकई और कौशल्या के हाथों पर धर के सुमित्रा को दे दिया। दीन सुमित्र है मन प्रसन्न करे, दोनों के हाथों से दिलवाया थोड़ा थोड़ा। यही विधि गर्व सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुखवारी। जिस दिन से भगवान गर्व में आए, सब कुछ अलग ही बदल गया। सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, सभी लोकों में धरती पर भगवान आने वाले हैं तो सभी लोकों में प्रकृति ने उनके स्वागत के लिए सजावट तैयार। अगर कोई अधिकारी आए तो वहां के रहने वाले अधिकारी, बाकी साफ सफाई देख रेख सजावट पहले से सब अच्छा कर देते हैं। प्रकृति भी भगवान के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए, सत्कार के लिए तैयार है। जब समय आता है, योग लगने ग्रह भारत सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय आया, नौ मीठे थे मधु मास
वास पुनीता। मधुमास पुनीता, मधुमास चैत्र का महीना और नौमी तिथि शुक्ल पक्ष में दोपहर का समय अभिजित मुहूर्त होता है। मध्य दिवस दोपहर के बीच समय पे दिन के मध्य में अभिजित मुहूर्त होता है और उस समय पर प्रकृति ने ना तो घाम है, सीधी हवा चल रही है। पावन काल लोक विसरा, पावन पवित्र कर दिया। सब देवताओं ने विचार किया कि जी अब समय आ गया, सो अवसर बिरंचे जब जाना। ब्रह्मा जी से जाना कि जब समय आ गया भगवान आने का, तो चलो अपन अपने बाहनों को सजा करके भगवान की अगुवाई करके करने के लिए, स्वागत करने के लिए सब चले। गगन विमल संकुल सुरजूता, गावे गुण गंधर्व बरूता। सब अपन अपने विमानों बैठ करके आकाश में आए, भगवान का गुणगान करने लगे। हे गोविंद हम तैयार हैं, आओ। स्वागतम सुस्वागतम सरे रागतम भगवान। ठाकुर जी का स्वागत है, स्वागतम शरणागतम भगवान। Bolo Ram 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 Ram
आचल्या के भवन में आकर के प्रकट होते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय जय। मैया के सामने जैसे प्रकट हुए, मैया हाथ जोड़ करके, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, मैं धन्य हुई। भगवान ने कहा, मां मैंने आपको वरदान दिया था, सो मैं आ गया। मैया कहने लगी, वरदान काहे को दो? मैंने आपका पुत्र होने का जो वरदान दिया, मैं आपके पुत्र के रूप में आ गया। मैया कहने लगी, तुम बेटा बन करके आयो कि बाप बन करके आयो? बेटा कोई ऐसा होता है संक चक्र गदा, चार हाथों वाला, संक चक्र गदा पदम इतना बड़ा, तो क्या करूं? मैंने इसलिए तो मेरे तुम्हारे सामने ये स्वरूप दिखाया है कि जिस समय आपने वरदान मांगा था, मैं उस समय जिसी स्वरूप में था, तब तुमने कहा कि मांगो तुम्हारी समान सुत्र, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तब जी तो कही नहीं कि छोटे में चाहिए, तुम्हारे मैं जैसो हतो तुम्हारे समान पुत्र चाहिए तुम्हें, वैसे वैसे आएगा। प्रभु, माँ का जो हृदय होता है वो बड़े पुत्र को स्वीकार करने का नहीं होता, छोटे बच्चे के साथ में लीला करना, लाड़ प्यार करना, बड़े से तो प्रेम भी नहीं किया जाता। तुम पुत्र बनो तो मुझे क्या करना होगा? छोटे बनो, छोटा बना। जैसे ही कौशल्या ने कहती गई, छोटा हो गया। अब यानी कपड़ों को उतारो, जैसे संसार में जीव आता है वैसे ही आना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा। तुमने संसार को नंगा किया है, अब तुम्हें भी नंगा होना पड़ेगा। और मैया ने कहा, रो। भगवान ने कहा, मैं कभी रोया नहीं। मैया ने कहा, तुम्हें संसार को रुलाया है, अब तुम्हें भी रोना पड़ेगा। जैसी मैया कहती गई, दोनों का एक ही मिलान है। कथा भागवत श्यापि नित्यं भवति यद ग्रहे तद ग्रहे तीर्थ रूपं बस्तां पापनाशनम्। और जिसमें कहा, जय दिन राम जन्म श्रुत गावें और तीर्थ सकल तहां चलया। बोलो संत भगवान की, तीर्थ में बसने से पापों का नाश होता है। भगवान आते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, और भगवान के आने के कारण होते हैं बेप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। जो भगवान के भक्त हैं, धैन गाय के लिए, सुर संत है
देवताओं के लिए और संतों के लिए। चार कारण है से मनुष्य अवतार धारण करते हैं। भगवान आए, मैया ने कहा रो, रोना चालू किया। सोने से सरोदन परम प्रिय वाणी, आवाज रोने की आई, रानियों ने सोचा ये क्या, कौशल्या के भवन से पुत्र के रोने की आवाज आ रही। अरे कम से कम प्रसव की पीड़ा तो होती, कौशल्या कम से कम सुनाबा प्रभु सोई। Thank you.
अयोध्या में जिन पावा राखा नहीं ताऊ, कोई दान पाता वो दूसरे को दे देता, वो दूसरे को दे देता, देता ही चला गया। जिन्होंने पाया रखा नहीं वो भी दान करता चला गया, ऐसी चला गया। ग्रह ग्रह बाज बधाव सब प्रगटे सुसमाकंद, हर्ष बंत सब चाहता है नगर नार नर व्र, सबके अंदर में खुशी बहुत अपार। इतने दीप अगरबत्तियों का धुआं हुआ, सब जगह पूजा पाठ हुए कि रात दिन का अंतर ही नहीं रहा, किसी को कोई सोने की बात ही नहीं करता था, सब उसी में आप लगे रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मर मुन जाने कोई, रत समेत रविता के हो निशा कवन विधि हो। मानो सूर्य रथ लेकर के वहीं रुक गया, छह महीना का एक दिन और ऐसे दिन बहुत हो जाए। अब सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करता है। जो आनंद सिंध सुकरासी, जो आनंदों का सागर हो, आनंद का समुद्र, सुख की राशि बहुत बड़ा ढेर। और सीकर कहते हैं एक जल की बूंद और उस बूंद का एक कण, जैसे समुद्र है, सुख की राशि है, वो सुखों का धाम, उसी का नाम राम है। जो सुखों का धाम होता है उसी का नाम राम है। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, उनका नाम राम रखा। दशरथ महाराज सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, उनका तो राम नाम था सो वो ही नाम रख दिया। दूसरे की बारी आती है, जो संसार का भरण पोषण करे। Yeah.
उसका नाम शत्रुघ्न है। अपने शत्रु हैं काम क्रोध मद लोभ मोह, जीव के बड़े शत्रु वे ही हैं। उनका सच्चे मन से सुमरण करोगे। शत्रुघ्न की शक्ति है श्रुति कीर्ति। श्रुति माने वेद, भगवान की कीर्ति। भगवान की कीर्ति को जो कानों से, श्रुति माने कान, और भगवान की कीर्ति को कानों से सुनेगा तो अंदर के सब विकार सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जय के सुवर्ण तीर बनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों का धाम और भगवान का प्रिय, संसार का आधार बनेगा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु महाराज ने उसका नाम लक्ष्मण रखा क्योंकि वो बड़ा दयालु है। लक्ष्मण नाम उदार, बड़ा सुंदर दयालु। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखे धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव नृप सुत चारी। वो राशिनी के नाम नहीं रखे, विचार करके वेद के तत्वों के द्वारा उनको नाम रखा। कुछ समय बाल लीलाएं की, उनके बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं गुरु के आश्रम पर। बच्चों को वशिष्ठ के आश्रम पर शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, सब अपने आप आई। उनके यहां पढ़े, पढ़ करके अपने यहां आते हैं। उन्होंने अच्छे चरित्र का निर्माण किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नायो माता, आज सुमान करिए पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। राजा से आज्ञा मांग करके और कार्य करते थे। भाइयों से प्रेम करते थे, प्रेम में रहते थे, सबसे प्रेम करते थे। ऐसे ही उन्होंने नाना प्रकार की लीला करी। बाल चरित कहे बिविधि विधि, मन में पर में उछाओ, ऋषि आगवन कहे सपने श्री रघुवीर विभाव। विश्वामित्र आए और उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। यज्ञ की रक्षा करके सीता स्वयंवर में जाते हैं। सीता स्वयंवर में सीता जी के साथ विवाह करके धनुष भंग करके आते हैं। बाहुर रामय अभिषेक प्रसंगा, बाहुर रामय अभिषेक प्रसंगा, वचन राजन सुवंगा, वचन राजन लक्ष्मण संवादा, लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन के
पापी पति की।